सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज संत महिमा परिवार आपको श्रीधाम गोवर्धन की यात्रा पर लेकर के आया है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आने और गांव, और यहाँ ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर श्रीधाम गोवर्धन है। तो आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने के लिए लाए हैं जो यहाँ पिछले 22 सालों से सभी परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालुओं को भोजन कराते चले आ रहे हैं। कैसी उनकी अद्भुत सेवा है और कैसे उनका जीवन है, तो आइए जानते हैं उन महाराज जी के विषय में। क्योंकि आज तक आपने भगवान की अनेकों कथाएं सुनी हैं, जिस प्रकार से भगवान के अनेक रूप हैं उसी प्रकार से भक्ति के भी अनेक रूप होते हैं, उसी के आज आपको दर्शन कराने के लिए हम श्रीधाम गोवर्धन लेकर के आए हैं। और आज आपको ऐसे संत भगवान के हम दर्शन कराएंगे जिनके रूप में माँ के दर्शन होते हैं, क्योंकि जो पेट भरे उसको माँ कहा जाता है। और ये संत भगवान ऐसे दिव्य सेवा यहाँ 22 सालों से करते चले आ रहे हैं कि कोई भी परिक्रमार्थी यहाँ से भूखा नहीं जाता। बाबा दिन रात सभी परिक्रमार्थियों की, सभी श्रद्धालुओं की सेवा किया करते हैं, और इन बाबा को लोग प्रेम से, प्यार से रोटी राम बाबा भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं इन महाराज जी के पास। आइए अब इस दिव्य सेवा के विषय में पूज्य महाराज श्री से जानते हैं। यही वो महाराज जी हैं जो दिन रात यहाँ सभी दर्शनार्थियों की और सभी श्रद्धालुओं की, ब्रजवासियों की सेवा बाबा करते चले आ रहे हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपसे एक निवेदन करूँ, ये कितने साल से आप सेवा करते चले आ रहे हो? ये लगभग 20-22 साल से। 20-22 साल से। गुरु जी ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे आगे शुरुआत आपने करी? गुरुस्थान में भी साधु सेवा होती है जी, तो गुरुस्थान में साधु सेवा कर रहे थे, गिरिराज जी की इच्छा हुई यहाँ करने लगे, ठाकुर जी की इच्छा कर। तो आप 22 साल से यहाँ? जी, वृक्ष के नीचे 22 साल से रहते हैं, यहीं सेवा कर। तो महाराज जी आपको गुरु स्थान कौन सी जगह? गुरुस्थान वृंदावन गोरेदाव जी। गोरेदाव जी, तो वहाँ से आप फिर सीधे यहीं आ गए? आने सीधे घूमते फिरते ऐसे रास्ते देखते रुक गए महीने भर में, फिर इधर धीरे धीरे गिरिराज जी ने प्रेरणा करी, गिरिराज जी का कार्यक्रम में चल पड़ा थे, फिर सेवा वही सेवा जो स्थान होती थी यहाँ होने लगी जी। तो बाबा आप जो ये सेवा समस्त ब्रजवासियों की और परिक्रमार्थियों की जो आप सेवा करते हैं, ये सब गिरिराज जी की इच्छा है। गिरिराज जी करने वाले हैं, हम कुछ करने वाले नहीं, हम तो केवल नाम के निमित्त बैठा रखे हैं। गिरिराज जी ने सारा कार्यक्रम गिरिराज जी का, अच्छा करने वाले सब गिरिराज जी हैं, सब कार्यक्रम भी उन्हीं का है। हम लोगों केवल नाम के बैठा रखे हैं कि ये कर रहे हैं, सब कर नाम हमारा कर रहे हैं, कर वो रहे कर वो रहे, निमित्त आपको बना रखा, निमित्त बना रखा। तो बाबा ये सेवा करके नहीं आप कैसो अनुभव अपने हृदय में प्राप्त करें, कैसो आनंद आपको आवे? देखो जीव मात्र का यह है कि शरीर संसार से मिला हुआ है जी महाराज, तो जीव मात्र को संसार की सेवा करनी चाहिए शरीर से जी, और आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा से परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए जी महाराज। तो वही इन्हीं में यहाँ संतों के, भक्तों के दर्शन होते हैं, इनमें वही परमात्मा स्वरूप सबके दर्शन करते हुए सबकी सेवा की जाती है। सभी की सेवा करते हुए तो परमात्मा चिंतन करेंगे और शरीर से सेवा करेंगे तो आनंद आनंद प्राप्त होता है, इसमें कोई दुख का तो काम ही नहीं जी। मतलब परमात्मा स्वरूप में ही आप सबकी सेवा करते हैं, सबकी परमात्मा के अंश सब जीव हैं जी जी। जीव मात्र का सेवा करना, परमात्मा किसी न किसी अंश में सेवा करना है तो उसमें आनंद आनंद आनंद, परमात्मा तो स्वयं परमानंद है, इसलिए वो आनंद तो मिलना ही मिलना है। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो आपके स्वरूप में अपनी माँ के दर्शन करते हैं, क्योंकि जो पेट भरे वो माँ, और जो आप जो सेवा 22 साल से कर रहे हैं, बनने वाले तो विश्व भरण पोषण करने वाले तो भगवान ही हैं जी, और ठाकुर जी गिरिराज जी हैं सब यहाँ, तो गिरिराज बाबा का सारा कार्यक्रम गिरिराज जी का ही है, तो गिरिराज धर्म प्रभु जी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का ही सब कार्यक्रम। राधा रानी की पूरी कृपा, ब्रज का वास मिल रहा है और खूब संत भक्तों में आनंद मिल रहा है, इस आनंद में सेवा चल रही है और कष्ट का तो कोई काम ही नहीं। तो बाबा पंगत कितने बजे शुरू होती है? पंगत 5 बजे होगी यहाँ, 5 बजे संतों की पंगत। हाँ जी हाँ। और ये कितने बजे शुरू ये करते तो हैं? दिन भर जब सुबह बन जाता है 10-11 बजे शुरू होता है, अच्छा रात तक 9-10 बजे तक चलता है ये, तो सुबह से चलता ही रहता। हाँ है जी, हाँ जी। और पंगत नित्य प्रति शाम को पूड़ियाँ है, चावल दाल है, पूड़ी सब्जी है, ये पूड़ियाँ चल रही है जी, तो रोज बदलते हुए बनाते होंगे?
किसी दिन कुछ कभी कड़ी चावल कभी दाल चावल ऐसे बदल के, कल कड़ी चावल था आज दाल चावल है, कल परसों फिर कड़ी बन जाएंगे, ऐसे करके दिन में बदलता रहता। बाकी शाम को पूरी सब्जी रोटी दाल चावल ये सब रोजाना वो नित्य प्रति है, नित्य प्रति है। कोई कोई एक मीठा भी लगभग होता है जी, कोई आओ कोई पाओ, हाँ कोई आओ कोई पाओ, सबके लिए भूखे पैसे के लिए सबके लिए जी। यहाँ संतों की मंगत होती, संतों की मंगत में कोई आवे, यहाँ भक्तों के लिए व्यवस्था है, भगत भी कोई भी आवे कोई पाओ, कोई पाओ, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए, सबके लिए करें, सबके लिए। तो महाराज जी ये जो जय हो जय हो, प्रभु जी आपने ऐसी सुंदर हमारे ऊपर कृपा करी, आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जय हो प्रभु जी। संतों का जीवन वास्तव में कैसा निर्मल जीवन होता है, जो भी भक्त यहाँ प्रसाद लेने के लिए आते हैं, बाबा साक्षात नारायण सेवा समझ करके इस सेवा को पिछले 22 सालों से करते चले आ रहे हैं, धन्य ऐसे महापुरुषों के जीवन को। और मैं गिरिराज प्रभु के चरणों में भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन महापुरुषों को निमित्त बना करके इस सेवा को चला रखा है, क्योंकि बिना ठाकुर जी की कृपा के कोई कार्य संभव नहीं हो पाता। गिरिराज प्रभु ने साक्षात इन संत भगवान को निमित्त बना करके इस सेवा को पिछले 22 सालों से चला रखा है। यहाँ कोई भी आओ, बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति आकर के पेट भर सकता है। बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत भाव है इन संत भगवान के। तो आइए मैं आपको और भी दर्शन यहाँ के करा देता हूँ, आइए अब और भी दर्शन आपको कराते हैं। अभी 5 बजे यहाँ संतों की प्रसादी होनी है, और जो कि नित्य प्रति यहाँ होती है उसी की तैयारियां चल रही हैं। देखिए फुलके बनाए जा रहे हैं और चकाचक घी लगा करके फुलके वहाँ रखे जा रहे हैं, संतों के लिए बहुत अद्भुत भाव से ये सेवा कर रहे हैं। और ये सभी भक्त लोग यहाँ इस सेवा को बराबर करते चले आ रहे हैं। यहाँ रोटियाँ बेली जा रही हैं और यहाँ से बेल करके रोटी वहाँ तवे पर पहुँचती हैं और तवे पर बाबा फिर सेकते हैं नीचे। धन्य है ऐसे महापुरुषों के जीवन को जो ऐसी सेवाएं बराबर करते चले आ रहे हैं, जिसके लिए ब्रज को जाना जाता है। धन्य है ऐसे संत महापुरुषों को। और अब यहाँ संतों की भोजन प्रसादी शुरू हो चुकी है, आइए आपको दर्शन कराते हैं उन संत भगवानों के जो यहाँ प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री यहाँ देखो फुलका वितरण कर रहे हैं। यहाँ नित्य प्रति संतों के ऐसे ही भंडारा रोज होता है, समय शाम को 5 बजे यहाँ नित्य प्रति संत भगवानों को यहाँ प्रसादी कराई जाती है। ऐसी महिमा है इन संत महापुरुषों की। इस स्थान पर आकर के कोई भी प्रसाद ग्रहण कर सकता है। बाबा 22 सालों से यह सेवा निरंतर करते चले आ रहे हैं। राधे 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 महाराज। और गिरिराज जी की तरहटी में बैठ करके ये संत भगवान जब प्रसाद पाते हैं तो ये आनंद अपने आप में बड़ा अद्भुत आनंद होता है। साक्षात गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में बैठ करके संत भगवान आज प्रसाद ही पा रहे हैं, और ये उन्हीं बाबा महाराज का सेवा संकल्प है जो यहाँ पूरा किया जाता है। बाबा 22 सालों से यहाँ संत भगवानों की सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गरम गरम फुलके बना करके बाबा यहाँ इन संत भगवानों को पवाते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, कैसा दिव्य जीवन है इन महापुरुषों का। जब मैंने पूज्य महाराज श्री से पूछा कि महाराज जी यहाँ लगभग महीने का कितना खर्चा आता है, तो महाराज जी ने कहा कि मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब गिरिराज प्रभु अपने आप करते हैं, कहाँ से व्यवस्था होती है कैसे व्यवस्था होती है वो जाने, उनका काम जाने, मुझे तो सेवा दी है मैं सेवा कर रहा हूँ। ऐसा दिव्य जीवन है इन महापुरुषों का। अगर आप भी कोई सेवा करना चाहते हैं तो इस स्थान पर आकर के आप सेवा कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि यह कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये समझ संसार की अन्य सेवा, कहते हैं संसार में अगर सबसे बड़ी कोई सेवा है तो अन्य सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। यहाँ बाबा सुबह प्रातः 10 बजे से भंडारा शुरू होता है और रात को पता नहीं कितने बजे तक ये भंडारा चलता है। बाबा के यहाँ से कोई भी आज तक भूखा कभी गया ही नहीं, ऐसी महिमा इनकी संत भगवानों की है। आज आपने इस सेवा को देख करके जिस आनंद को अपने हृदय में अनुभव किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि जो भी श्रद्धालु श्री धाम गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के लिए पधारे तो वो इस स्थान की जानकारी अपने पास रख करके यहाँ आए और इन महापुरुषों के दर्शन वो सहज में प्राप्त कर सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।